अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल सा डिश। तो आप इसे, अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा। बॉम्बे स्टाइल में मैं बनाऊँगी इसे, और इसे मैंने बिना काजू और बिना बादाम के बनाया है। तो इसे आप ज़रूर देखिए। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और इसे इस तरह से काट के इसका ब्रैंड कर लिया है। इसका जो हमें बेरिस्ता बनाना है, तो इसे ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो चिकन का कलर अलग हो जाएगा और एक रिच फ्लेवर भी नहीं देगा। तो इस तरह से आप ब्रैंड कर लीजिए। इसे कुछ लोग बेरिस्ता भी बोलते हैं। बस ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये रेडी हो चुका है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हम जार ले लेंगे, मिक्सर जार। इसमें जितना भी बेरिस्ता है सबको डाल देंगे। अब हम लेंगे 4 मगज, इसे हम खरबूजे का बीज भी बोलते हैं। ये इजीली आपको किराने के स्टोर में मिल जाएगा। इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगाकर और इसमें डाल लिया है। इसके डालने से एकदम ही रिच फ्लेवर आएगा, और हमें काजू और बादाम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपको बहुत ही लो कॉस्ट में मिल जाएगा। और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसी में डाल देंगे हम 150 ग्राम दही। दही हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। मैं दही को 2 बार पीस रही हूँ, क्योंकि मिक्सर जार हमारा छोटा है। अब हम चलते हैं इसके मैरिनेशन की तरफ। मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन लिया है, इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है धो करके, और इसमें हम पिसा हुआ मसाला डाल देंगे चिकन में। इस तरह से आप सारे मसाले को अच्छे से साफ़ करके डाल दीजिए जार से। इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई मसाले। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है, तो आप इसे ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें, या फिर आपके घर में अगर कोई गेस्ट आया है तो उसके लिए भी आप इसे बनाकर रेडी कर सकती हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे, अब आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। अब हम मैंने लिया है यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसीलिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका यूज़ करें। 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। और अब आप ले लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिए। अब हम यहाँ पे लेंगे आगे फूड कलर लेंगे हम। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया है, यानी केसर कलर। अगर आपके पास रेड कलर है तो आप उसे भी थोड़ा सा डाल लीजिए, 1 पिंच। तो इसे भी हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे हम 2 चम्मच लेंगे, 2 टेबलस्पून, और इसे भी डाल लेंगे चिकन में। अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे चम्मच से मैरिनेट किया है। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल हैं मैरिनेट करने के लिए, तो आप हाथ से ही मैरिनेट कर लीजिए। तो इस तरह से हम सारे चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और बनाने के बाद तो हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। और इसे मैरिनेट करने के बाद इसे हम 1 घंटा छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसके लिए आप आधा घंटा भी रख सकती हैं मैरिनेट करने के बाद। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, तेल रखेंगे 4 चम्मच, बड़े 4 चम्मच, और इसमें हम डाल देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 छोटी इलायची यानी हरी इलायची, और 1 ले लेंगे हम बड़ी इलायची। और इसे हम थोड़ी देर तक पका लेंगे, जब तक इसमें हल्की सी खुशबू ना आ जाए गरम मसालों की। और इसे इसमें फिर डाल देंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। इस तरह से आप सारे चिकन डाल लीजिए। अच्छा, ये वही तेल है जिसमें हमने बेरिस्ता बनाया था। इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए चिकन को।
अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ पे मैंने आधे ग्लास पानी का यूज़ किया है, छोटे आधे ग्लास का। चिकन पकने के लिए मैंने पानी डाला है यहाँ पे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अभी से ही ये कितना यम्मी लग रहा है, और बनने के बाद तो इसका आउटस्टैंडिंग टेस्ट आएगा। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। पाँच से सात मिनट के लिए, तो इसे पकते हुए पाँच से सात मिनट हो चुका है और इसमें एक बॉईल भी आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियोज़ में। इस तरह से हम चला लेंगे बीच में, ताकि ये चिपके नहीं कढ़ाई में। और इसे थोड़ी देर के लिए हमें और ढक देना है। पाँच मिनट के लिए हम और इसे ढक देंगे। इसे बनाने में टोटल 20 मिनट का ही वक्त लगेगा आपको। इसका फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है। तो ये हो चुका है, अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए तेल भी पूरा ऊपर आ चुका है और चिकन का कलर भी अलग हो चुका है। कितना अच्छा सा कलर आ चुका है हमारे चिकन में। तो इसे हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसकी अच्छी सी और खुशबू निकले। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने इसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनाकर तैयार कर दिया है। हमारी सारी रेसिपी ऐसे ही बनती है, बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाती है। तो आप हमारे रेसिपी को भी फॉलो करिए और हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। बस हम एंड में डालेंगे गरम मसाला। आपके पास कोई सा भी ब्रांड का गरम मसाला है तो आप उसे यूज़ कर सकती हैं, या फिर आपके पास अगर घर में बनाया हुआ गरम मसाला है तो आप उसका भी यूज़ कर लें, उसका तो फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा टीस्पून ही डाला है गरम मसाला। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। बस ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। अब इसे हम दो सेकंड के लिए और ढक देंगे। और इधर हम करेंगे कोयले को गरम। हाई फ्लेम पे आप कोयले को गरम कर लीजिए। और उसे आप प्याली में डाल लीजिए, स्टील के प्याली में। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप उसमें भी डाल करके चिकन के अंदर डाल सकती हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल, या फिर आपके पास अगर होममेड घी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं। और इसका ढक्कन हम जल्दी से बंद करेंगे, ताकि धुआं बाहर ना आए। और धुआं देने के बाद मैंने इसे 10 मिनट ढका ही हुआ छोड़ दिया है। 10 मिनट के बाद इसको हम खोल लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। देखिए इस चिकन कोरमा का कितना रिच फ्लेवर आया है, वो भी बिना काजू और बादाम के। ये बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अब हम इसे थोड़े से धनिया पत्ती के साथ गार्निश कर लेंगे। अब बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलते रहे। इसे आप नान या रोटी के साथ भी खा सकती हैं, ये बहुत ही यम्मी लगता है नान के साथ। या फिर आप तंदूरी रोटी के साथ भी इसे खा कर देख सकती हैं, बहुत ही यम्मी लगेगा। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।